एक दुआ करबें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, चंडी पाठ पढ़ा उन्होंने, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है? क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंडी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरह फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीन अनमत अलैहिम गैरल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं। ये भारत का सेकुलरिज्म है।